रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रदेश में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़ी भीड़, महादेव के जयकारों से गुंजायमान शिवालय। यूक्रेन से उत्तराखंड पहुंचे 6 और छात्र, अब तक प्रदेश के 25 छात्र छात्राओं का हुआ रेस्क्यू। सीएम धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर की बात, बोले उत्तराखंड के लोगों को लाएंगे वापस। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, महाशिवरात्रि पर पंचांग की गणना से हुई घोषणा। उत्तराखंड में आज से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्विमिंग पूल और कार्यालय, राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध जारी। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम में शामिल भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे। महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पंचांग गणना अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के मौके पर खटीमा पहुंचकर चक्करपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर सीएम धामी ने यूक्रेन में फंसे सभी उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों से बात की और उन्हें जल्द भारत लाने का आश्वासन दिया। प्रदेश में 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा है कि भाजपा प्रदेश में शानदार बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार देख सदमे में है। महाशिवरात्रि पर्व पर देवभूमि के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का भारी तांता लगा रहा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, मसूरी के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। इसके बाद उत्तराखंड शासन भी लगातार छूट दे रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड शासन ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्कों को अपनी क्षमता के साथ खुलने की छूट दे दी है। हालांकि राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन को अभी 10 मार्च तक अनुमति नहीं दी है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों में से 6 छात्र मंगलवार को सुरक्षित देहरादून पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक उत्तराखंड के 25 छात्र यूक्रेन से उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने का मिशन जारी है। हालांकि अभी भी करीब 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन के अलग अलग राज्य में फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। मसूरी में धनौल्टी घूमकर वापस लौट रहे पर्यटकों की कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुवाखोली के पास हुआ है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में नशे की खेप सप्लाई करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को धमसिंह नगर के पंतनगर इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी सगे भाई हैं। ऋषिकेश में यमकेश्वर के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में हाथी की धमक कम नहीं हुई है। आए दिन हाथी दिखाई देने से लोग खौफजदा हैं। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वन विभाग इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहा है। मानो लग रहा है विभाग हादसे दूसरे हादसे का इंतजार कर रहा हो। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी नौकरियों में होने वाली परीक्षाओं में मुन्ना भाई तैयार करता था। मामले का खुलासा होने के बाद अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उद्धम सिंह नगर के रुद्रपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।